अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू डीजी मेंटोर पीके। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सेल शीट को पीडीएफ में कन्वर्ट करने का बताया है, नेक्स्ट आज हम होम सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल्स है, एडिटिंग है, ये सब कुछ। सबसे पहले इसमें होम में कट आता है। कट का मतलब क्या है, अगर आपने किसी भी सेक्शन को सिलेक्ट किया और कट करना है, उधर से कट करें और जिधर पेस्ट करना है उधर आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इधर पेस्ट करना है इसको, तो आप दोबारा इसको सिलेक्ट करें और कट को दबाएं, जिधर पेस्ट करना हो तो आप पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपी। अगर आपने इसकी कॉपी करनी है तो आप कॉपी पे क्लिक करें और जिधर आपने पेस्ट करना है उधर आप पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, जहां मर्जी आप पेस्ट इसको कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है। फॉर्मेट प्रिंटर की हम बात करते हैं, तो फॉर्मेट प्रिंटर के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, देखें इसको मैं डिलीट कर देता हूं। इधर मैं लिखता हूं डीजी मेंटोर, ठीक है, और नीचे इधर मैं पीके लिख देता हूं। अब इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूं, इटैलिक भी कर देता हूं, अंडरलाइन भी कर देता हूं, कलर भी इसमें कर देता हूँ, कोई भी करना चाहो कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी, सब कुछ इधर से मैं कर सकता हूँ, ये चीजें भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये डीजी मेंटोर इधर लिखने का बड़ा भी हो गया, सब कुछ हो गया, कलर भी मैंने इधर कर दिया, कौन सा करना है, ठीक है। अब फॉर्मेट प्रिंटर का क्या मतलब है, ये जो फॉर्मेट इधर आ रहा है सेम इधर भी आ रही है, तो आपने क्या करना है, इसको आपने सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट पेंट पे आपने क्लिक करना है और सेम इधर आपने इसको कॉपी कर देना है। मैं दोबारा करता हूँ, सेलेक्ट किया आपने फॉर्मेट पेंटर और इधर ये भी देखिए सेम एज इट इज ऐसे ही बन गया जैसे ये है। फॉर्मेट पेंटर का आपको ये मतलब है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अलाइनमेंट, तो मैं भी इसको दोबारा को इसको सबको डिलीट करता हूँ, एक्सेल शीट न्यू बना लेता हूँ। अब इसमें मैं लिखता हूँ डीजी मेंटोर पीके, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इधर मैं कुछ और भी लिख लेता हूं, इस यूट्यूब चैनल, आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं इधर से आप इसकी, लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी इधर से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अगर ये देखें मैं स्कोर बड़ा करता हूं तो इधर म्यान में आ रहा है अभी, अगर इसको मैं इधर से करना चाहूँ तो इधर से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें बैक पे बैक ऐसे चला जाएगा। उसके बाद अगर आपने वर्टिकल करना है तो आप वर्टिकल भी इसको शो करवा सकते हैं, वर्टिकल टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इसको दोबारा जीरो पे करना चलो, ठीक है। उसके बाद आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, मैं डिलीट कर दिया इसको। मैं एक और न्यू शीट बनाता हूँ जिसमें ये सारी अलाइनमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद रैप टेक्स्ट, ठीक है। रैप टेक्स्ट में ये होता है कि आप एक लाइन पे कुछ लिखते हैं, यानी डीजी मेंटोर
पीके यूट्यूब चैनल। ठीक है, अब ये देखिए सारा इस में भी आ रहा है, सेक्शन में भी आ रहा है, यानी ये डिजिमेंट और पीके डिफरेंस में भी आ रहा है। तो आपने इसको क्या करना है, रैप टेक्स्ट करना है। रैप में होगा ये, एक ही सारे में आ जाएगा, एक ही सेल में सारा कुछ लिखा आ जाएगा। रैप टेक्स्ट का ये मतलब है, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर, ठीक है, ये देखिए मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया तो ये दरमियान में सारा कुछ आ गया। उसके बाद मर्ज क्लास भी कर सकते हैं और मर्ज सेल भी कर सकते हैं, एंड मर्ज दोबारा कर लें तो दोबारा अपने फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, अगर इधर मैं लिखता हूँ 500, इधर मैं लिखता हूँ 100, इधर मैं लिखता हूँ 600, तो ये चीज़ें हैं, ये सभी इसको सिलेक्ट करता हूँ। इधर मैं डॉलर लगाऊंगा तो ये डॉलर फॉर्म में शो हो जाएंगी, अगर मैं इनको परसेंटेज में करता हूँ तो ये परसेंटेज में शो हो जाएंगी, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये पॉइंट्स में शो हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये मतलब डेसिमल पॉइंट्स के बाद जितने मर्जी जीरो लगा सकते हैं डेसिमल में, अगर मैं दोबारा ऐसे करूँगा तो वापस आ जाएंगे अपनी इसी फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद अगर आपने करेंसी चेंज करनी है, अगर लेट्स डॉलर साइन है इधर, आपने करेंसी चेंज करनी है तो आपने क्या करना है, मोर पे जाना है, ठीक है। करेंसी ये सिंपल है, इधर आप सर्च करें पीकेआर, तो ये पीकेआर आ गया, ओके। तो ये पीकेआर में आपको शो होने लग पड़ी है, ठीक है। आप इधर से ये भी चीज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मेटिंग, ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये ठीक न्यू ले लेता हूँ, और इसमें मैं नंबर दे देता हूँ, नेम मार्क्स, ठीक है, मार्क्स मैं लगा देता हूँ 100, 33, 25, 10, 15 ऐसे, ठीक है, मैं मार्क्स लगा दिए हैं। उसके बाद ये क्या है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, हाईलाइट सेल रूल्स, ठीक है। आप इस पे कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर मार्क्स जिनके लेस देन 33 हैं वो इस रेड कलर में शो, और जो ग्रेटर देन है वो, तो आपने क्या करना है, मोर रूल्स पे जाना है, ठीक है। इधर आपने लेस देन करना है, जो लेस देन है लेट्स सपोज 33 अब लिख दें, ओके कर दें। इधर आपने फॉर्मेट सेट कर ली, कौन से इधर से आपने चूज करना है, अगर मैं ये करता हूँ, देखे जिसके 100 है तो वो फुल बार शो कर रहा है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, और भी काफी सारी हैं ये देखें, ठीक है, ये काफी सारी बार आपको नजर आ रही हैं। उसके बाद जो टॉप 10 हो गए तो उसको आप शो कर दिए, टॉप 10 में कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो एक बार उसने शो कर दिया है, ठीक है। उसको आपने टॉप हम अगर 2 करते हैं तो ये टॉप 2 शो कर रहा है, अगर टॉप 3 करते हैं तो टॉप 3 शो कर रहा है, ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लेस देन भी कर सकते हैं, बिटवीन वाला भी, इक्वल टू वाला भी, ये सारी चीजें इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने वैल्यू इधर लगानी है वो आप इधर से लेस देन ग्रेटर देन वाला इसको सेट कर सकते हैं, सेल वैल्यू सेम रहेगी। उसके बाद टेबल फॉर्मेट, ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ नेम मार्क्स, ठीक है, टेबल फॉर्मेट आप रख सकते हैं। इधर मैं कुछ नेम लिख देता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ जितने भी आपने फॉर्मेट लगाना है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ओके, ये आपका टेबल बन गया है। आप कोई और फॉर्मेट लगाना चाहिए वो भी इधर से आप सेट कर सकते हैं, सॉर्टिंग भी दे सकते हैं A to Z या Z to A, कुछ भी आप इधर से कर सकते हैं सिलेक्ट, ठीक है। फॉर्मेटिंग आप इधर से टेबल की कोई भी कर सकते हैं। मार्क्स,
इधर आप रोल नंबर लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं आप। इसको सिलेक्ट करें जितने भी आपने लगानी है, आप इधर से कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है, ये देखें डिफरेंट आपके पास फॉर्मेट है, टेबल के आप लगा सकते हैं। उसके बाद सेल स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए कलर चेंज हो रहा है, मतलब परसेंटेज इसकी 40 है, उसका ये कलर है 60 का, ये है 20 का, ये है डिफरेंट है। ठीक है, नॉर्मल के लिए ये है, बैड के लिए ये है, गुड के लिए ये है, न्यूट्रल के लिए ये है, कैलकुलेशन के लिए ये है, चेक कॉल के लिए ये है, इनपुट के लिए ये है, नोट के लिए ये है। ये सारी चीजें ऐसे आप चेक कर सकते हैं डिफरेंट। उसके बाद है इंसर्ट, इंसर्ट रो शीट। आपने ऊपर एक रो इंसर्ट कर ली है, ठीक है, अगर आपने इंसर्ट रो शीट सेल, सॉरी सेल किया तो सेल इंसर्ट हो गया, ठीक है। अगर वो कुछ शिफ्ट सेल राइट या डाउन या जिस साइड पे आपने करना है वो कर सकते हैं। अगर मैं राइट पे करता हूँ तो राइट पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट शी कॉलम, कॉलम भी आप इधर से ऐड कर सकते हैं, और ठीक है इंसर्ट शीट भी आप न्यू इधर से आप ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप इधर से कर सकते हैं। उसके बाद है डिलीट, डिलीट आप सेल करना चाहें सेल भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं कि ये शीट है, मैं ये शीट है, इसमें अगर मैंने कोई सेल डिलीट करना है, डिलीट सेल, ओके ये मैं एक कर लेता हूँ सेल सेलेक्ट। उसके बाद डिलीट टेबल और कॉलम, ठीक है, पूरा पूरा ये कॉलम डिलीट हो गया। अगर शीट डिलीट करनी है तो डिलीट शीट पे क्लिक करें, डिलीट। उसके बाद रो भी डिलीट हो सकती है, उसके बाद कॉलम भी डिलीट, सेल भी एक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट पे आए तो फॉर्मेट आप सेट कर सकते हैं, रो हाइट, ऑटो रो फिट, कॉलम विड्थ, उसके बाद डिफॉल्ट हाइड एंड अनहाइड, ये सारा कुछ आप फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। जैसा कि मैं इधर लिखता हूँ शीट 1 2 में कुछ लिखा नहीं, मैं लिख लेता हूँ न्यू भाई, ठीक है। इधर मैं लिख लेता हूँ नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ठीक है मैं ये लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर्मेट पे आता हूँ, रो हाइट मैं इसको 25 कर देता हूँ, ओके ये हाइट ज़्यादा हो गई है। उसके बाद आपने ऑटो रो फिट, दोबारा ऑटो हो गई है। कॉलम भी अगर आप ज़्यादा करनी है तो 8.4 से अगर मैं इधर 15 करता हूँ तो ये 15 मतलब कॉलम की बड़ी हो गई है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट करें तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगी दोबारा, ठीक है। हाइड एंड अनहाइड, अगर आपने इसको हाइड करना है तो आप हाइड रो, ये हाइड हो गई है। अगर आपने दोबारा अनहाइड्रो करेंगे तो अनहाइड हो जाएगी। ये सारे सेक्शन इधर आपके पास मौजूद हैं। उसके बाद शीट रीनेम, ठीक है, इधर से आप अपनी शीट को रीनेम कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद मूव और कॉपी शीट, कॉपी आप शीट को मूव भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये कलर हो गया अभी इसको, ठीक है। उसके बाद टैब कलर, ठीक है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट, ठीक है, प्रोटेक्ट शीट से ये है कि आपकी शीट पे कोई बंदा कुछ लिख ना सके, जो आपने शीट बनाई हुई है वैसी ही। अगर मैं इधर लिखता हूँ लेट्स सपोज नेम, रोल नंबर, ठीक है, तो इसको आप सिलेक्ट करें, फॉर्मेट, प्रोटेक्ट शीट 1 2 3, ओके 1 2 3, ओके, ठीक है। अगर आप अगर आप इधर कुछ लिखना चाहे तो लिख नहीं सकते, ये देखें वो उसने नोटिफिकेशन दे दिया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर इस पर आपको कुछ लिखना है, परफॉर्म करना है, तो आपको दोबारा इसको अनप्रोटेक्ट पे डालना पड़ेगा, पासवर्ड है 1 2 3, ओके, अब जाके आप लिख सकते हैं सब कुछ, ठीक है। उम्मीद आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है लॉक सेल और फॉर्मेट सेल, सेल को आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं और लॉक भी कर सकते हैं, एक सेल को मतलब
जिसको भी हमें सिलेक्ट करना है उसको फॉर्मेट और लॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, मैं इधर लिखता हूँ 1 2, ठीक है, ये मैंने प्राइसेस कुछ दे दिए, कुछ डिजिट लिख दिए हैं, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ऑटो सम करता हूँ, तो इसने इसको सबको सम कर दिया है, ठीक है। उसके बाद डाउन, राइट, अप, ये सारी चीजें इधर से आप सेट कर सकते हैं। सीरीज, ठीक है, अगर मैं इधर लिखता हूं 1, और मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं दोबारा जाता हूं इधर, और सॉरी ये ऑटो सम हो गया, ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, सीरीज पे जाता हूं, ठीक है, और ऑटो फिल, ओके, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखने हो गया। अब मैं इसको रिमूव डिलीट करता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ फ्राइडे, फ्राइडे के बाद जो भी दिन आएंगे वो इन ऑटोमेटिक इधर लिखने हो जाएं। तो मैं दोबारा जाता हूँ सीरीज पे, आप ऑटो फिल पे क्लिक करें, ओके कर दें, फ्राइडे सैटरडे संडे जो भी है वो आ गया। अगर आप इधर लिखते हैं 2021 और आप इसको सिलेक्ट करें, तो अब आप सीरीज को अप्लाई करें तो आपको रिजल्ट कुछ डिफरेंट मिलेगा। देखिएगा 2021 नहीं लिख रहा है क्योंकि ये एक रकम है। अगर आपने इसको मजीद आगे चलाना जैसे 2122 है, तो आपने आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आप लिखें 2022, अब आप देखें सिलेक्ट करें और सीरीज पे जाके दोबारा इसको क्लिक करें, तो ये देखें 21 22 23 24 ऑटोमेटिक ये सेट हो गया। ऐसे ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये सॉर्टिंग को चेक करना है, ठीक है, आप सॉर्ट भी कर सकते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सॉर्ट अगर आपने करना है ए टू जी तो ए टू जी हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने इसको जी टू ए करना है तो जी टू ए हो जाएगा, ठीक है। सॉर्टिंग आप इधर से अप्लाई कर सकते हैं, कस्टम भी कर सकते हैं, उसके बाद फिल्टर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके बाद फाइंड, अगर आपने कुछ चीज़ फाइंड करनी है तो मैं इधर लिखता हूँ जैसा कि फ्राइडे लिखता हूँ और नेक्स्ट, तो ये फ्राइडे मुझे बता रहा है ये लिखा हुआ है, ठीक है। फाइंड ऑल आउट, मतलब किस किस शीट में आप फाइंड करना चाहते हैं, तो उधर उधर भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आ गई होम में, नेक्स्ट में मैं इंसर्ट पे काम करूँगा। आज की वीडियो में आपको ये सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी, उम्मीद है। इस वीडियो में बस इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।